तो दोस्तों फाइनली एमएक्स प्लेयर की नई वेब सीरीज इंदौर ईस्ट आ चुकी है। तो दोस्तों ये वेब सीरीज कैसी रही है, क्या कुछ खास है इसमें और आपको ये वेब सीरीज देखना चाहिए या नहीं, मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं स्टोरी की। तो दोस्तों स्टोरी शुरू होती है इंदौर से, जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम है कुणाल। अब दोस्तों कुणाल को प्यार हो जाता है तारा नाम की एक लड़की से, लेकिन फिर अचानक से तारा उसे छोड़ देती है और उसके बाद से फिर कुणाल की जिंदगी एकदम से बदल जाती है। अब क्या कुणाल तारा को वापस पालेगा या नहीं, ये तो दोस्तों आपको इस वेब सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वेब सीरीज में क्या कुछ अच्छा है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों मुझे इसमें कुणाल यानी कि ऋतिक साहोरे की परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त लगी है। उन्होंने अपने हर एक रोल में जो एक्सप्रेशन चाहिए होते थे उन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, इमोशन और डायलॉग्स बहुत ही जबरदस्त लगे हैं। किसी भी चीज या एंगल से वो कमजोर नहीं दिखाई देते हैं। उनके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं तारा की यानी कि वेजिका भंडारी की। उन्होंने भी अपना रोल ठीक ठाक निभा लिया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुणाल के दो दोस्त भी देखने को मिलते हैं और उन्होंने भी ठीक ठाक रोल निभाया है। वही दोस्तों बात करें वेब सीरीज की, तो दोस्तों मुझे वेब सीरीज काफी अच्छी लगी है और दोस्तों इसका क्लाइमेक्स तो बहुत ही जबरदस्त रहा है। जिस तरीके से इस वेब सीरीज में हमें दिल टूटे हुए आशिक की इमेज को दिखाया जाता है वो दोस्तों इसमें बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है। मेकर्स को इसका क्रेडिट जरूर जाना चाहिए कि उन्होंने इस तरीके से स्टोरी को बनाने का सोचा। वही दोस्तों इस वेब सीरीज में काफी सारी गालियों का और ड्रग्स का और शराब का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों अगर आप इसे परिवार के साथ देखने का फैसला कर रहे हैं तो प्लीज अभी आप रुक जाइए और आप इसे पर्सनली ही देखिए। इसके अलावा दोस्तों इस वेब सीरीज में अल्ताफ राजा के गानों को भी बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। साथ में दोस्तों अल्ताफ राजा भी इसमें हमें गेस्ट अपीयरेंस के रोल में हमें दिखे हैं, जो कि इस वेब सीरीज को एक अनोखा रूप दे देता है। अब दोस्तों इस वेब सीरीज में क्या कुछ अच्छा नहीं है, तो दोस्तों इस वेब सीरीज की स्टोरी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी है क्योंकि ऐसी स्टोरीज हम पहले भी देख चुके हैं। हालांकि एक बार ऋतिक साहोरे की परफॉर्मेंस के लिए इसे हमें जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बीजीएम भी इसका ठीक ठाक है। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों ये एक वॉचेबल वेब सीरीज है, आप इसे वन टाइम जरूर देख सकते हैं। वही दोस्तों बात करें रेटिंग की, तो दोस्तों मैं इसे 5 में से 3 स्टार देना चाहूंगा। बाकी अगर आपने ये वेब सीरीज देख ली है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी और ऋतिक साहोरे की परफॉर्मेंस कैसी लगी, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो, रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी एक और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।